गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज अविनेश ऑन एक्स्ट्रा तैयारी। करो तैयारी घर से। जैसा कि आप लोग को पता है, जल्दी जल्दी से आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तुरंत बटन दबा दीजिए, ताकि हम लोगों को भी क्या मिले, अप्रिसिएशन मिले। देखिए, टोटली बात जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस टर्म पे, जो हम कल की डेट में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, इन सभी चीज़ों की बात हम कर चुके हैं। इसका फटाफट रिकैप ले लेंगे, जो हमारे टर्मिनोलॉजी थी, टर्मिनोलॉजी की भी क्या करते हैं हम फटाफट रिकैप ले लेते हैं और देखते चलते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने फटाफट इंस्टेंट रिकैप में ले लेते हैं। तो फटाफट बात करते हैं, जीनोटाइप, फेनोटाइप और क्या कहते हैं, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, ये सारे कैरेक्टर्स को मैं जल्दी जल्दी दिखाने के लिए मैं थोड़ी सी स्लाइड्स दिखाना चाहूँगा और फटाफट क्या करेंगे हम उसको, क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे पुरानी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले हमने कल भी बात की थी टर्मिनोलॉजी से, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी क्या होती है इनकी, जो टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, उनको सीखना। तो फटाफट देख लीजिए, टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म क्या था, जेनेटिक्स था, दूसरा हेरिडिटी था, तीसरा वेरिएशन था, ठीक है ना, हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी वेरिएशन था, एनवायरमेंटल वेरिएशन था। तो मतलब समझ लीजिएगा फटाफट, ये दो टर्म आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द हेरिडिटी कैरेक्टर, दैट इज नोन एज आपका, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स कहा जाता है। हेरिडिटी क्या है, द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज आपका क्या कहा जाएगा, हेरिडिटी कहा जाएगा। वेरिएशन, द चेंज फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, मतलब जो बच्चों में चेंज आता है, पेरेंट से थोड़ा सा अलग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। हेरिडिटी वेरिएशंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि जेनेटिकल जनरल से क्या होता है, एक पेरेंट से क्या हुआ जो बच्चों के अंदर पहुंच जाता है, वो जेनेटिकल चेंज की वजह से वेरिएशन होता है। दूसरा होता है क्या, इन्वायरमेंटल वेरिएशन, ये क्या होता है कि ये हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, वो चेंजेस जो हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं या क्या करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, उसे क्या कहते हैं आप लोगों का, इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। फटाफट मैं जिसका रिकैप ले रहा हूं, देख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में तो मैंने जरा सा कल बताया ही था, आप लोग फटाफट इसको देख लीजिए। इन्हीं को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने ही क्या किया था कि जेनेटिक्स की लॉ दी थी। फटाफट देख लेते हैं इनके बारे में, इन्होंने जो भी चीज़ की थी, जो भी बताया था, किसके बारे में बताया था, पॉइंट क्या बताया था इन्होंने कि जेनेटिक्स क्या है, इससे इंट्रोड्यूस करने का काम इन्होंने किया था, ठीक है ना। मैंने बताया था इनके बारे में, इनके बहुत सारे लॉज थे, इनके अप्रोचेस थे, ठीक है ना। इनका काम कब से कब तक चला था, देखिए उस टाइम पे मैंने बताया था कि प्रिंट मीडिया का ही एक सहारा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो इनके पोस्टुलेट पहुंचते पहुंचते काफ़ी टाइम लग गया, लोगों तक पहुंचने में भी पहुंच गया, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या था कि अब ये क्या कहते हैं, डेटाबेस कैसे कलेक्ट करते थे, एक छोटे से एरिया में सेलेक्ट करते थे, और कैसी चीज़ें था, इनकी एक्सपेरिमेंट्स कैसे थे, सक्सेसफुल होने का रीजन क्या क्या था। तो एक चीज़ पूछा जाता है कि वाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट, सबसे पहले पॉइंट जो हम लोग बात करते हैं, देखिए फटाक से हम लोग इस पर आते हैं अपने, क्या कहते हैं, जो हम लोग बात करते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया। तो फटाफट समझ लीजिएगा क्यों सेलेक्ट किया, मैंने दो तीन बात कल भी बताई थी कि पी प्लांट क्या थे, पी प्लांट क्या थे, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्ट होती है, जो क्या करती है, लगभग 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। इनमें दूसरी चीज़ क्या थी कि कई तरह की वैरायटीज प्रेजेंट थी, मतलब क्या था कि इनमें वेरिएशन नहीं आता था, लेकिन क्या था, कलर, शेप, साइज के अकॉर्डिंग क्या था, वैरायटीज प्रेजेंट थी, ठीक है ना, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, क्रॉस करा लेते थे और क्या कर लेते थे, ईजिली उनको यूज कर लेते थे। तो क्या था, वैरायटी प्रेजेंट थी, वैरायटी प्रेजेंट थी, ठीक है ना। जो चीज़ें थी, जो वैरायटीज प्रेजेंट थी, मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जी चीज़ें प्रेजेंट थी, वैरायटीज थी। और उसके साथ क्या था कि ये देखिए शॉर्ट टर्म में निकल जाते थे, छोटे एरिया में इनको क्या किया जाता, ग्रो कर लिया जा सकता था। ये सारे पार्ट चीज़ों को उन्होंने नोट करते हुए, देखिए इनमें वेरिएशंस नहीं आते थे, और इन वेरिएशंस की वजह से ही क्या था कि इनका क्या था कि एक्सपेरिमेंट सॉल्व हुआ। हमने बात कर ली है लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की है, लॉ ऑफ क्या कहते हैं सेग्रीगेशन की बात की है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट की बात की है। लेकिन अब देखिए फटाफट जो छोटा छोटा रिकैप ले रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद आ जाएगी जो टर्म्स थे, ठीक है ना।
अब इन्होंने क्या किया था, यही जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने क्या क्या जो लिए थे, ठीक है ना, क्या लिया था, हाइट लिया था, शेप लिया था, साइज लिया था, कलर लिया था, फिनोटिपिक कैरेक्टर की वजह से ही क्या थे इनको बताया गया था, ठीक है ना। जस्ट इसके और आगे देखते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि फिनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं, जीनोटाइप कैरेक्टर क्या होते हैं, तो फिनोटाइप कैरेक्टर वो जो फिजिकली अपीयर्ड हो, जीनोटाइप कैरेक्टर्स क्या जो बॉडी के अंदर इनबिल्डेड हो, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सारे के सारे कैरेक्टर लिए थे, देखिए क्या क्या लिए थे, देख लीजिए आपके जो डोमिनेंट कैरेक्टर थे इनके वो कैसे थे, देख लीजिए डोमिनेंट कैरेक्टर में क्या क्या कैरेक्टर लिए, टॉल लिए थे, राउंड लिए थे, येलो लिए थे, ग्रीन लिए थे, ठीक है ना, इन्फ्लेटेड लिए थे, ग्रीन है और एक्सियल, मतलब ये फ्लावर की टाइप है, जो एक्सियल टाइप फ्लावर का टाइप है उसके वजह से। और देखिए रिसेसिव टाइप क्या था, कि जो प्लांट इफेक्टिव होगा और जो प्लांट क्या होगा कि इफेक्टिव प्लांट्स में क्या चीजें होती है समझिएगा, फटाफट समझिएगा कि जो प्लांट डोमिनेंट होंगे वो आने वाली कंडीशंस में क्या, आने वाली जनरेशंस में क्या करेंगे, ये रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करेंगे, सरप्रेस कर देंगे, उनकी जनरेशन को में आने से पहले क्या होगा, जैसे ही वो हाइब्रिड कंडीशन में पहुंचेंगे वो क्या करेंगे, डोमिनेंट जीन ही क्या करेगी, एक एक्सटर्नल कैरेक्टर को शो होने देगी और रिसेसिव जीन उसी में कहीं ना कहीं छिप जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो ये इनकी चीज़ें थी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी भी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए फटाफट देख लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, देखिए फिनोटाइप एक्सटर्नल कैरेक्टर, जीनोटाइप इंटरनल कैरेक्टर, फिनोटिपिक रेशियो मतलब F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आपके आए हुए हैं उनको क्या कह रहे हैं, F1 रेशियो मतलब F1 जनरेशन में जो भी क्या कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्लांट है तो उसे फिनोटिपिक रेशियो कह दिए। जीनोटिपिक रेशियो वो हो गया जो उनकी बॉडी के अंदर हाइब्रिड बने हुए हैं या प्योर गैमेट्स बनी हुई हैं, तो उनको क्या किया, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स कह दिया। मैंने कल भी बताया था कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है हमेशा से उसको किस लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, क्या करते हैं चाहे इस तरह से लिख लीजिए, इन सभी लेटर्स को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो भी रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, जैसे आप देख लीजिए स्मॉल टी इसको किस लेटर्स में लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं फटाफट, मैंने देखो हेटरोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, वर्ड के अकॉर्डिंग याद रखना, होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है ना। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिसिमिलर होता है। आप लोगों को ये टर्मिनोलॉजी जैसे ही याद हो जाएगी ना, आपकी जेनेटिक्स बहुत आसान हो जाएगी, मतलब जेनेटिक्स चैप्टर इतना इजी है कि आप खुद भी पढ़ करके उनको जान सकते हो। कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जैसे आप लोगों को कहते हो कि पेडिग्री एनालिसिस में प्रॉब्लम होती, तो वो मैं सॉर्ट आउट करा दूंगा, बहुत इजी है उसको भी करना, बस जैसे जैसे के बताएंगे वैसे वैसे बस उन रूल्स को फॉलो करिएगा और आप जान जाएंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ये सारी चीज़ें जानने में आपको आसानी होगी। तो ये सारे कैरेक्टर तो मैंने बताया था, देखिए डोमिनेंट भी बताया था, जीन भी बताया था और हाइब्रिड भी बताया था। देख लीजिए, देखिए डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो रिसेसिव को क्या करता है, सरप्रेस कर देता है, ठीक है ना, और क्या करता है कि दो दूसरे कैरेक्टर्स बाहर नहीं आता। रिसेसिव जीन का एक कैरेक्टर होता है कि जब तक वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है तब तक वो अपने आप को शो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो होमोजाइगस कंडीशन में आएगा वो अपने आप को क्या करेगा, शो कर जाएगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं। उसके जस्ट बाद बताया हाइब्रिड क्या है कि जो क्रॉस कराया गया था, क्रॉस कराने के बाद जो आपका F1 जनरेशन में जो आपका प्लांट बना है, जो दोनों कैरेक्टर्स को बॉडी के अंदर कैरी किया हुआ है, जो दोनों कैरेक्टर को कैरी कर रहा है, उसी को क्या कह रहा है, हाइब्रिड कह रहा है। ये देखिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, मैं इसको अभी समझाता हूँ, जैसे आप लोगों को समझ लीजिए। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो आपका क्या कहते हैं F1 जनरेशन में प्लांट प्राप्त हुआ या मिला हुआ है, F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस किससे करा दें, उसके पेरेंट प्लांट से करा दें, तो उसे कहते हैं हम बैक क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या करा जाता है, उसका जीनोटाइप जानने के लिए किसी भी, देखिए मैं अभी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, देखिए मैं फटाक से ले लेता हूँ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की तरफ मैं चलता हूँ लेकर के आपको, तो कैसे समझिएगा। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेस्ट क्रॉस क्या है, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये समझ लीजिए कि हम किसी भी प्लांट का, जैसे मान लीजिए हमको एक अननोन प्लांट दे दिया गया पी का, कोई भी प्लांट दे दिया गया, पी दे दिया गया, कोई भी प्लांट दे दिया गया, ठीक है ना, और इसका हमको क्या जानना है, जीनोटाइप जानना है, ठीक है ना। जीनोटाइप या ये प्योर था या हेटरोजाइगस कंडीशन में था, तो हमने क्या किया कि ये क्या था, प्लांट था और इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है कि ये किस चीज का प्लांट था, ठीक है ना। प्लांट एक ठो एक्स प्लांट दे दिया गया और उसके बारे में हमको पता करना है कि इसका जीनोटाइप क्या है, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। फटाफट समझते हैं इसको, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोगों को टेस्ट क्रॉस करना है तो हमेशा से रिसेसिव टाइप के आपका होमोजाइगस प्लांट का हम क्रॉस कराते हैं। इसको बहुत ईजी तरीके समझिएगा, होमोजाइगस के बारे में मतलब समझ लीजिएगा। होमोजाइगस तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे रिसेसिव कह दिया तो कोई भी प्लांट था, मान लीजिए आपका पी का प्लांट था और क्या किया गया कि आपने किसी भी प्लांट को उठा लिया
और हमको दे दिया कि कह दिया कि आप इसका क्रॉस कराइए और बताइए कि होमोजाइगस था या हेटरोजाइगस था। तो आप ध्यान रखते हैं जब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस कंडीशन के प्लांट के साथ, पी प्लांट के साथ। तो ये चीजें देखिए, सबसे पहला या क्रॉस कराएंगे तो यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर लेते हैं। जैसे यहाँ कैरेक्टर क्या मान लेते हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते थे, हमने मान लिया कि इसके पास कोई कैरेक्टर एक्स था या क्या कहते हैं इसको, ऐसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, कैपिटल पी और स्मॉल पी प्रेजेंट था, ठीक है ना। मान लियो प्रॉपर कलर में क्या था, जो प्लांट का कलर था वो पर्पल कलर का था, हमें ये नहीं पता था कि वो होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम इसका एक रिसेसिव कैरेक्टर से, ओके ठीक है, मेरी स्पीड ज़्यादा है मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा देने की प्रोसीजर को ही कहते हैं हम बेस्ट टीचिंग। और कहा जाता है कि जो ट्रिक्स होती हैं जो जल्दी से समझ में आती हैं, नहीं तो आपको क्या होगा, नींद आने लगेगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको जगा के रखूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैं और स्लो पढ़ा सकता हूं, जो स्लो पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि हमको झिंझोर के सामने वाले को जगाना रहता है। तो जगा दिया गया है आप लोगों को, और आप जगे रहिए, देखते रहिए कि हम क्या करते हैं। इसका एक रिसेसिव प्लांट से क्या करते हैं, स्मॉल पी क्या है, एक रिसेसिव प्लांट था जिसका कलर किस कलर का था आपका, देखिए व्हाइट कलर का था, ठीक है ना, व्हाइट कलर का था। तो इस कलर के बारे में जब हम जाते हैं, तो जब इनका जब हम क्रॉस कराएंगे, तो इसमें समझिएगा जब इनका क्रॉस कराएंगे तो आपको क्रॉस कराने की तो प्रोसीजर पता ही है, लेकिन आप कैसे कहोगे कि हेटरोजाइगस था ये प्लांट। तो देखिए जब इसका इसे क्रॉस कराएंगे तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि इसकी ये जीन थी, जो इस कंडीशन में ये प्लांट आता है। तो गैमेटिक फेज में क्या होगा, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है दोनों में, तो रिसेसिव की भी अपनी अलग गैमेट फॉर्मेट होगी और डोमिनेंट की भी एक अपनी अलग फॉर्मेट होगी। तो हम क्या देखते हैं, पटाख से समझते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए एक जगह क्या बना, कैपिटल पी बना, सॉरी एक सेकेंड दीजिएगा हमें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, यहाँ पर एक आपका क्या बना, कैपिटल पी बना और एक क्या बना, सॉरी एक स्मॉल पी बना, ठीक है ना। जैसे इसके बारे में हम समझते हैं तो एक स्मॉल पी यहाँ बनेगा, ठीक है ना, और दूसरा क्या बनेगा, ऐसा बनेगा स्मॉल पी और स्मॉल पी। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा, फिर क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर जब नीचे की तरफ और क्या बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर स्मॉल पी और स्मॉल पी बनेगा, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, जस्ट यहाँ की बात, कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा और फिर स्मॉल पी स्मॉल पी बनेगा। जैसे देख लीजिए ये जो इसकी पॉइंट्स थे, पॉइंट मतलब क्या, यहां पे जो क्या हुआ 50-50% आ जाएगा, 50% क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, जो हाइब्रिड प्लांट रहेगा तो 50% क्या आ जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर शो कर जाएगा, और 50% क्या कर जाएगा, आपका हाइब्रिड कैरेक्टर को शो कर जाएगा। मतलब जो कैरेक्टर ये पर्पल था तो पर्पल ही क्या करेगा, पर्पल था तो पर्पल ही क्या करेगा, 50% फिनोटिपिक रेशियो जब हम लेने जाएंगे तो क्या होगा कि 50% पर्पल आ जाएगा, पर्पल आ जाएगा। और दूसरी पॉइंट के बारे में हम जब बात करते हैं तो 50% क्या आ जाएगा आपका, वाइट आ जाएगा। और समझ लीजिएगा व्हाइट का मतलब, समझ लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, फिनोटिपिक रेशियो को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये कैसा क्रॉस था। आप लोगों को जो मैं समझाना चाहूँ, तो ये एक तरह से टेस्ट क्रॉस था, हमको ये जानना था कि ये ऐसा था। मान लीजिए एक कंडीशन आपके साथ और आई कि यही जो क्वेश्चन मार्क जहां प्लांट का है वो क्या था, देख लीजिए जो क्वेश्चन मार्क प्लांट का था वो क्या था, डोमिनेंट था। डोमिनेंट जो रहेगा तो आप सभी जानते हो कि रिसेसिव को क्या करेगा, वो बाहर ही नहीं आने देगा, ठीक है ना। वो प्लांट क्या था, जो अगर डोमिनेंट रहा तो क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं कि वो कैपिटल पी और कैपिटल पी था, यानी कि जो आपका पेरेंट था, जो डोमिनेंट जीन था, वो क्रॉस कराया गया एक रिसेसिव टाइप के जीन से और क्या कहते हैं एलील से, जिससे हमको क्या मिला है कि कंप्लीट जो हो जाएगा परसेंटेज, जो प्लांट आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, कैपिटल पी और स्मॉल आर आ जाएगा। जैसे मैंने कैरेक्टर ले लिया है तो इसमें क्या आ जाएगा, 100% का जो कैरेक्टर आएगा, मतलब 100% जो कैरेक्टर आएगा पूरी की तरह से क्या होगा, पर्पल हो जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्लांट ये क्लियर कर देगा, जो 100% आ गया तो ये क्या था, प्योर गैमेट थी, ठीक है ना। गैमेट मतलब होमोजाइगस कंडीशंस में इसकी गैमेट थी। और दूसरी चीज आप एक चीज और समझिएगा, जस्ट पीछे वाले स्लाइड को देखिए, तो यहां पे क्या था
कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी तो 50-50% हो गया, और जो क्या कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन मैंने प्योर कंडीशंस में रहा तो क्या होगा, ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन जो रिसेसिव रहा तो अगली भी जनरेशन भी सेम टाइप की ही आ जाएगी। रिसेसिव रहेगा तो वो कंप्लीटली क्या करेगा, अपोजिट कैरेक्टर से मैच कर जाएगा और सिमिलर चीज़ें ही आ जाएंगी। तो देखिए ये दो कंडीशंस आपके सामने आती हैं टेस्ट क्रॉस। अब बताता हूं मैं आपको बैक क्रॉस। व्हाट इज बैक क्रॉस? बैक क्रॉस का मतलब समझिएगा, मैं एक छोटे से एग्जांपल से फिर मैं लेना चाहूंगा। एग्जांपल आपका कुछ स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इस बार हमने क्या किया कि हमको जानना है बैक क्रॉस, ठीक है ना। तो बैक क्रॉस में क्या किया कि सबसे पहले एक पेरेंट प्लांट होगा, यानी पेरेंट मेल फीमेल दोनों होंगे, पेरेंट होंगे, ठीक है ना। और पेरेंट में भी क्या होंगे, मेल एंड फीमेल के बारे में आप जानते ही हो। मान लीजिए मैंने टॉल के कैरेक्टर को लिया, ठीक है ना। टॉल कैरेक्टर तो मैंने क्या किया, कैपिटल टी लिया, और जिसका क्रॉस कराया एक अपोजिट कैरेक्टर था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर स्मॉल टी, इससे हमने क्या किया, क्रॉस किया। जो F1 जनरेशन आई, फीलियल जनरेशन F1 आई, कैपिटल टी और स्मॉल टी आई, ठीक है ना। इसका देखिए आप लोगों को मैंने बताया था सेल्फ क्रॉस और दूसरा बता रहा हूँ बैक क्रॉस। तो यही F1 जनरेशन की प्लांट का क्रॉस करा दें, या तो इस पेरेंट प्लांट से करा दें होमोजाइगस, क्या कहते हैं रिसेसिव से करा दें, या क्या कहते हैं होमोजाइगस किससे करा दें, डोमिनेंट से करा दें, इसी कंडीशन को हम कहते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस बहुत ईजी है, जिसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। किसी भी प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए या गैमेट की प्योरिटी जानने के लिए किया जाता है, जिसका एक ही फंक्शन है, जिससे ये रिकग्नाइज किया जा सकता है कि क्या है जीनोटाइप, क्या है फिनोटाइप, ठीक है ना। आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे जहां तक मैं जानता हूं। अब आप लोगों को बिल्कुल ईजिली मैं बता रहा हूं, एकदम दोनों कंडीशंस आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए। ये देखिए जो हम लोगों ने बात किया, ये किसकी बात की, बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस क्या है कि जब F1 जनरेशन के पौधों का क्रॉस, व्हेन F1 जनरेशन प्लांट आर क्रॉस्ड विद द पेरेंट प्लांट, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस। बहुत इजी सा डेफिनेशन है, आप याद कर सकते हो और बहुत अच्छे से इसको क्या करते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है ना। जहां तक देखिए आप ठीक है, अब इसके और आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। जीनोटाइप फेनोटाइप हर चीज़ बताते चल रहे हैं, हम अगली स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मैं भी हो सकता है मेरा फेस डल हो जाए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दिया, टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है। ये देखिए बैक क्रॉस के लिए जो मैंने कहा था कि द टेस्ट क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन ऑफ इट्स पेरेंट्स, मैंने यही चीज़ करा के आप लोगों को दिखा दी कि किस तरह से क्या होता है, बैक क्रॉस होता है। अगला आता है टेस्ट क्रॉस आपका। टेस्ट क्रॉस में देखिए क्या होता है कि रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी कि टेस्ट किससे कराया जाता है, रिसेसिव कैरेक्टर से कराया जाता है, ठीक है ना। और किससे क्या होता है, आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड का मतलब मैंने एक और टर्म बताया था, हाइब्रिड जब भी आप लिखते हो तो एक लेटर कैपिटल में होता है, एक लेटर स्मॉल में होता है। इसी चीज को पहचानने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, आपका टेस्ट क्रॉस का यूटिलाइजेशन करते हैं, गैमेट्स की प्योरिटी जानने के लिए कि क्या वो होमोजाइगस कंडीशन में थी या क्या वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी। उम्मीद करता हूँ ये टर्म तो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिए थे, यहाँ साफ साफ है। देखिए प्योर वेराइटीज आर अवेलेबल, इनमें वेराइटीज क्लियरली अवेलेबल थी। प्लांट्स क्या थे, इजी कल्टीवेट करने में थे। लाइफ साइकिल क्या थी, 3 महीने की थी, मतलब 3 महीने के अंदर ही सारे के सारे रिजल्ट आ जा सकते थे। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, मतलब क्या है कि अलग अलग कैरेक्टर्स भी उसमें अवेलेबल थे, ठीक है ना। फ्लावर्स के पास भी क्या थे, अलग अलग क्या थे कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कराए जा सकते थे। फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन ओनली अ मैनुअली, मतलब क्या है कि हम क्या करते थे, हम लोगों ने कुछ टर्म्स हम लोगों ने सीखा था, ई मैस्कुलेशन सीखा था और बैगिंग सीखा था। मैं आप लोग को याद दिला देता हूं, ई मैस्कुलेशन मैं आपको याद दिला देता हूं, ई मैस्कुलेशन का मतलब याद दिला देता हूं। जब क्या किया जाता है कि किसी भी फ्लावर के अंदर से मेल पार्ट को क्या कर दिया जाता है, यानी कि सारे सारे स्टेमन को क्या कर दिया जाए, क्रॉस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, उसे ही क्या कहते हैं, ई मैस्कुलेशन कहते हैं। दूसरा एक प्रोसीजर सीखा था बैगिंग का मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब ये था कि किसी भी पिस्टिल को किसी भी चीज से, आइदर पॉलीथीन से या किसी कपड़े से क्या किया दिया गया,
कवर करके बांध दिया गया, जिससे कि जब तक हम ना चाहें तब तक उसका पॉलिनेशन ना करा सकें, दैट्स अ बैगिंग। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, जो नए जनरेशन आते थे, यानी कि जो क्या कहते हैं हाइब्रिड, मतलब हेटरोजेगस कंडीशंस में जीन्स आती थी तो उसी को हम हाइब्रिड कहते थे, दो लोगों के मिक्सचर से बनता था, दो प्लांट के मिक्सचर से बनता था, जिसकी वजह से हमें क्या मिला कि इनको आसानी होगी ये सारे कैरेक्टर ले लेने के बाद, ठीक है ना। आप लोग फिर से देख लीजिए, अब देखिए ये देखिए इनहेरिटेंस ऑफ जीन बता रहा है, अब F1 F2 फिलियल जेनरेशन बता रहा है, ड्वार्फ, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये रेशियो भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आप लोगों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हाइब्रिड क्या कहते हैं फिलियल जेनरेशन वन में मिलती थी, जीनोटाइप फिनोटाइप ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए इसके बारे में यही चीज, यही देखिए क्रॉस के बारे में भी यहाँ भी मैं करा के दिखा चुका हूँ, करके बता चुका हूँ, वेरियस मेथड से बता चुका हूँ, ये पनेट चार्ट स्क्वायर के मॉडल से किया गया है। देख लीजिए पेरेंटल जनरेशन है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन है, मैंने इतने का क्रॉस मैंने भी आपको कराया है। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी मैंने इस चीज को मैंने करा करके दिखाया था ऑन बोर्ड, ये तो फटाफट रिकैप दे रहा हूं आप लोगों को ताकि ये चीजें याद रहे। ये भी वही चीजें हैं जो मैंने चीजें बताई हैं, ठीक है ना। आप लोगों को एक चीज में और कंफ्यूजन रहती है, जीन और एलील, ठीक है ना, बोथ आर क्या कहते हैं लगभग क्या होते हैं, दोनों सिमिलर ही होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स को क्या करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप समझिएगा इन चीजों को, ठीक है ना। अब यहां पे तो ये भी क्लियर हो गया होगा, जैसे कोई भी चीज इसमें देखिए, ऐसा नहीं जो मैंने नहीं बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जो बात किया जाए तो क्या हुआ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं देख लीजिए, जब सिंगल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और देखिए F1 जनरेशन में देखिए ये चीजें तो मैंने भी सिखाई थी ना आपको, जैसे इन्होंने भी क्या किया फटाफट देख लेते हैं, कैपिटल टी देखो गैमेट फॉर्मेशन किया, तो इन दोनों को क्या किया अलग अलग किया, एक ये कर लिया है और एक ये कर लिया है, ठीक है ना। जैसे इसके बाद क्या किया है, जस्ट अल्टीमेट वाले की बात करते हैं तो क्या किया गया है, स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, इन्होंने मैंने बगल बगल कर दिया था, इन्होंने क्या किया इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया है कि दोनों को क्या कर दिया अलग अलग उठा करके रख दिया गया है। देखिए ये कैरेक्टर्स तो वही है ना गैमेटिक फॉर्मेशन में, और क्रॉस कैसे कराया गया, इसका इसे कराया गया, फिर इसका इसे कराया गया, फिर क्या कराया गया, इसका इससे करा लिया गया, फिर इसका इससे करा लिया गया। आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। फिनोटिपिक रेशियो यानी कि जो उनको फिजिकल व्यू मिला, यहां पे क्या मिला कि 75% जो इनको मिला था कैरेक्टर क्या मिला था, जो आपका क्या मिला था टॉल का कैरेक्टर मिला था, और 25% कैरेक्टर किसका मिला था आपका क्या करते हैं ड्वार्फ का मिला था। दोनों को क्रॉस करते हैं तो 3:1 का रेशियो आ जाता है, और ये देखिए 100 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 25 मिल जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए ये भी चीजें वही चीजें बताई जा रही हैं किस तरह से कराया जा रहा है। ये देखिए जो एक्चुअल क्रॉस मेल्डनर ने कराया था वो प्लांट के कलर, फ्लावर के कलर कुछ ये थे, पर्पल था और वाइट था। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए मेंडल क्या क्या कहते हैं, लॉ ऑफ हेरिडिटीज के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, देखते चलिए मैं फटाफट रिव्यू देता चल रहा हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के मतलब क्या कह रहे हैं, देखिए मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे, इनको समय से पहले पता था कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो क्या कर रही है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या करे कैरेक्टर को ट्रांसफर करे। वो जीन नहीं जानते थे, वो क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स नहीं जानते थे, उन्होंने इस चीज का नाम क्या दिया था बियर जानते हो, उसको फैक्टर दिया था। उसका नाम क्या कहा था उन्होंने, फैक्टर दिया था। एक डोमिनेंट कोई चीज था जो क्या कर रहा है एक चीज को सरप्रेस कर दे रहा है, एक रिसेसिव था जो किसी के वजह से क्या हो जा रहा है सरप्रेस हो जा रहा है, ठीक है ना। अब जस्ट इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी देखो मैंने बता ही दिया था कि जब F2 जनरेशन में क्या कराया गया था F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराया गया था तो जैसे ही क्या होता है होमोजेगस कंडीशन में कोई भी रिसेसिव जीन आता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये देखिए ये टॉपिक समझाना है आप लोगों को। अब मैंने कहा था ना कहीं क्या होता है कि हर चीज का एक्सेप्शन होता है, मैं इसको सबसे पहले मैं दूसरे तरीके से आपको एक बार मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। सुनिएगा मैं इसको कैसे समझाता हूं। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब था सरप्रेस हो जा रहा था। अब यहां पे क्या होगा, दो तरह के कैरेक्टर क्या करेंगे अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे करके और एक नए कैरेक्टर को ले आएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको काफी जगह मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल मिल जाएगा, काफी जगह आपको स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो यहां पर क्या कराया गया था डियर, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा,
तो देखिएगा, अब मैं इसमें छोटी छोटी टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ, जैसे होमोजाइगस हेटरोजाइगस। तो इसमें क्या लिया था मैंने, मिराबिलिस जलापा लिया। इसके दो तरह के प्लांट लिए गए, जैसे मान लेते हैं हम पेरेंट प्लांट लिए, ठीक है ना, पेरेंट प्लांट की बात किए। तो पेरेंट के बारे में जो हम बात करते हैं, तो पेरेंट जो हमने लिया एक रेड कलर का लिया था, ठीक है ना, और दूसरा किस कलर का लिया था, वाइट कलर का, ठीक है ना, वाइट का, ठीक है। तो अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए जीनोटिपिक कैरेक्टर फिनोटिपिक कैरेक्टर देख करके लेते हैं। तो रेड के लिए जो पहला लेटर ले लेते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है ना। यहाँ पे वाइट के लिए ले लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर। देखिए जब इसका हम क्रॉस कराते हैं तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि जो एफ वन जनरेशन आती है वो सबकी सबको क्या होते हैं, कलर में क्या हो जाते हैं, चेंजेस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि अब इसमें देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर देन स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए समझने की पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, यहाँ पे क्या ले लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, सब में यही आएगा जहां तक आप लोग जानते भी होंगे, अब तक तो आप लोग एकदम हैबिचुअल हो गए होंगे। तो इसके बाद क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल आर का जब हमने कैरेक्टर देखा, ये तो जीनोटिपिक कैरेक्टर है, जैसे ही हमने फिनोटिपिक कैरेक्टर देखा तो क्या हुए कि सब के सब कैसे थे फिनोटिपिक कैरेक्टर में, पिंक थे। पिंक कलर मतलब क्या थे, 100% फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या आया, पिंक थे। और जीनोटिपिक कैरेक्टर में क्या था, 100% क्या थे, हाइब्रिड थे, ठीक ना, हाइब्रिड थे, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा होगा, मेरी स्पीड मैंने कम कर ली, ठीक है ना, जैसा था। अब देखिए अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, अब हाइब्रिड में 100% हो गए, लेकिन यहाँ पे कैसा रेशियो था, यहाँ पे 100% रेशियो है, लेकिन जब इनका क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस कराया गया, ठीक है ना, इन्हीं का क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस। तो मैं इतनी दूर में ही बता देता हूँ, सेल्फ क्रॉस कराया गया। तो इसमें क्या हमको मिला, समझिएगा इसके मेरे पॉइंट को, कि जैसे ही इसको सेल्फ क्रॉस कराया हम लोगों ने, तो कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराया हमने, कैसे कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। तो इसको हमने बॉक्स बनाया, और बॉक्स बनाने के बाद हमने क्या किया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत चीज़ें चेंजेस देखने को मिल गया, हम उसके बारे में बताते हैं। जो यहाँ पे कैपिटल आर मिला, ये कैसे कलर के हो गए, रेड कलर के हो गए, ठीक है ना, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं बना देता हूँ फिर से, मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, ये किस कलर के हो गया, ये रेड कलर के हो गए, ठीक है ना, रेड कलर के हो गया। और फिर जस्ट उसी की फिर बाद हम लोगों ने बात की, तो यह क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये किस कलर का हो गया आपका, देखिए मैं उसी कलर से लिख दे रहा हूँ जिस कलर का ये हो गया था, ठीक है ना, पिंक कलर का हो गया था। फिर जस्ट उसके बाद में हमने फिर से देखा, तो हम लोगों ने जो कलर देखा, फिर यहाँ पे देखा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये किस कलर का हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा ये किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद के वाले कलर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर तो ये किस कलर का हो जाएगा आपका, वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पे कलर का रेशियो ही चेंज हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1:2:1 का रेशियो आ गया, जो कि मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करता है। आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। देखिए ये इनकम्प्लीट का मतलब आधा अधूरा, दोनों ने अपना कंट्रीब्यूट किया और एक नया कलर आ गया, जिसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए अभी जस्ट इसके बाद एक और लॉ आती है, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। इन दोनों में खास डिफरेंस है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जो आप लोग क्या करते हो कि पढ़ते हो, देखते हो कि इनकम्प्लीट मतलब क्या है, आधा अधूरा, और कोडोमिनेंस मतलब है कि दो के दोनों कैरेक्टर एक साथ आना। तो मैं अभी समझाता हूँ उसको, जैसे मैं ले ही लेता हूँ, उसके भी एक एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ। हम देखते हैं अगर इस बार हम क्या देखने जा रहे हैं, कोडोमिनेंस, ठीक है ना, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब समझ लीजिए कि ये एक स्पेसिफिक तरह का डोमिनेंस ट्रेट है जो दिखाई देता है वेरियस तरह के एनिमल्स में देखा जाता है। मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल जो आप लोगों ने आसपास में भी देखा होगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब गायों का क्रॉस कराया जाता है, यानी कि काउ ब्रीडिंग कराई जाती है, तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक वाइट भी डोमिनेंट कलर होता है, वाइट भी डोमिनेंट कलर होता है, और इसका क्रॉस किससे करा लेते हैं हम, अगौती कलर से करा लेते हैं, ठीक है ना।
अगौती कलर मतलब क्या है कि इसी तरह ब्राउनिश कलर का जो होता है वो भी क्या होता है, डोमिनेंट कलर होता है। क्या होता है कि जब मेल और फीमेल का क्रॉस कराया जाएगा, मे बी क्या कहते हैं मेल वाइट कलर का था या क्या कहते हैं अगौती कलर का था, तो इनका जब क्रॉस कराते हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इनका क्या कहता है वाइट के लिए कि हमने कोई भी ट्रेट ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया डब्ल्यू ही ले लिया, और इनके लिए भी क्या ले लिया स्मॉल डब्ल्यू ले लिया, ठीक है ना। तो इनका जब क्रॉस कराया तो हमने हम लोगों को क्या मिला, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों किस तरह के थे, डोमिनेंट कैरेक्टर थे। दोनों ने क्या किया कि एक नया कैरेक्टर इजाद किया और दोनों क्या करे कि एक साथ में ही क्या आ गए, ठीक है ना। यहां पे समझ लीजिए कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, ठीक है ना, वो भी ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये दोनों एक साथ आ गए। दोनों एक साथ आने का मतलब क्या है कि गाय जो है चितकबरी हो गई। मतलब ऐसा समझ लीजिएगा कि गाय के जो बॉडी के ऊपर स्पॉट्स आ जाते हैं, जैसे काऊ आप लोगों ने देखी होगी तो उनकी बॉडी पे स्पॉट्स बन गए, वाइट भी है और अगौती भी है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, दोनों डोमिनेंट है। मैं एक और कैरेक्टर लेता हूँ, डॉग्स के बारे में ले लेता हूँ। आप लोगों ने आसपास में बहुत सारे डॉग्स देखे होंगे, कई सारे तो वाइट होते हैं, कई ब्लैक कलर के होते हैं, तो व्हाइट और ब्लैक दोनों डोमिनेंट होते हैं। जैसे ही इनका ब्रीडिंग टाइम आता है, ये ब्रीड करते हैं, तो क्या होता है कभी कभी मेल और फीमेल व्हाइट और ब्लैक कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या होता है कभी कभी स्पॉटेड आ जाते हैं। स्पॉटेड का मतलब क्या होता है, उनकी बॉडी के ऊपर क्या कहते हैं वो धब्बे टाइप के बन जाते हैं, गोल गोल बन जाते हैं। अब इसके बारे में जो हम बताएं एक और पॉइंट, तो ये भी क्या है, एक तरह से कोडोमिनेंस का रिजल्ट है। तो आप लोगों को जो सामने दिख रहा है वो एग्जांपल देखते हुए जब आप याद करते हैं, जैसे रास्ते में घूम रहा है कोई चीज़ दिखी तो अपने सब्जेक्ट से रिलेट करके देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें आपको आसपास में ही देख करके याद रहना शुरू हो जाएगी और काफ़ी इजीली आप उन चीज़ों को याद कर पाओगे। तो कोडोमिनेंस भी आपका जहां तक है क्लियर हो गया होगा। देखिए इसी में एक चीज़ और आता है आपका, क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेट करने वाले जीन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है ना, सुनिएगा मैं बता रहा हूँ, मैं फटाफट बता देता हूँ। हम लोगों के यहाँ जो ब्लड ग्रुप के टाइप्स होते हैं, देखिएगा आप लोग भी जानते होंगे ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए बी होता है, देन ओ होता है। इन सबको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक तीन तरह की जीन होती है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समझते चलिएगा। अब देखिए मैं तीनों जीन के नाम लिखता हूँ और किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, ये देखिए ये भी सेट में ही चलते हैं। और देखिए जैसे देख लीजिए आप लोगों को समझ में बिल्कुल ईजिली आ जाएगा। बहुत बार बहुत समय पहले क्या था कि जब प्रॉब्लम यहाँ थी कि पहले लोग ब्लड ग्रुप का पता लगा करके ही क्या कर देते थे कि चाइल्ड किसका है, ये डिटरमाइन करने में बहुत आसानी हो जाती थी। फिर इसमें भी क्या हुआ कि और डेवलपमेंट हुई, हमारा बायोटेक्नोलॉजी और आगे आया, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आ गया। तो इसके पहले की जो चीज़ें थी, पहले ऐसे केसेस आ जाया करते थे कि क्या कहते हैं दो लोग एक बच्चे पर क्या कर रहे हैं कि वो क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले कैसे तक किया जाता था, ब्लड ग्रुप का पता लगा लिया जाता था और ब्लड ग्रुप जिन पेरेंट्स से होने की चांस से ज्यादा है उनको क्या कर दिया जाता था, हैंडओवर कर दिया जाता था। इसको मैं समझाने के लिए जो तीन जीन यूज करते हैं, देखिए कई जगह कई तरीके के मिलता है। देखिए मैं जो जीन के बारे में बता रहा हूं तो आई ए, ठीक है ना, आई बी, ठीक है ना, और देखिए एक और लिखा जाता है आई ओ लिख लिया जाता है, या इसकी जगह पे एनसीईआरटी में बुक में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, स्मॉल आई मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जो आप यूज कर सकते हैं आई ए आई बी आई ओ यूज करके भी बता सकते हैं कि किस टाइप का ब्लड ग्रुप आएगा, और आई ए आई स्मॉल आई को भी यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि एक पेरेंट क्या कहते हैं एक कपल था, जो पेरेंट के बॉडी के अंदर जो जीन थे, देखिए समझ लीजिएगा। अब बी कैसे आएगा इसमें, देखिए जो ये दोनों होते हैं आई ए और आई बी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं डोमिनेंट होते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और जानिए कि जब इनके बारे में डोमिनेंट के बारे में और थोड़ा सा जानने चलेंगे, तो जब जैसे ये दोनों आ जाएंगे ना तो ये भी क्या दिखा देते हैं, एक छोटा सा कैरेक्टर है कोडोमिनेंस, अभी जो मैंने बताया है ये समझिएगा, ठीक है ना। ये इतनी देखिए जो प्रोसीजर है, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा, जैसे ही दो डोमिनेंट जीन एक साथ आते हैं दोनों अपने आप को रिप्रेजेंटेट कर देते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कैसे हो सकता है ये चीज़ें, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेते हुए बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने एक पेरेंट लिया, पेरेंट सेलेक्ट किया, पेरेंट का ब्लड ग्रुप के अंदर जो हमने बात की, जो एक मेल पर्सन था जिनकी बॉडी में आई ए और आई ए था, मतलब दो जीन मिलकर के, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलकर के
या दो जीन मिलकर के एक किसी कैरेक्टर को क्या कर रही थी, शो कर रही थी। ये किसका कैरेक्टर था, पेरेंट में मेल का कैरेक्टर था, ठीक है ना। और जब हमने इसका इनका क्रॉस एक किससे कराया, देख लीजिए मैं इसका कलर चेंज करके दिखा रहा हूं। जो यहां पे देखा गया कि हमने जो फीमेल का कैरेक्टर था जिनका पास क्या था, ब्लड ग्रुप बी था, ठीक है ना, और ये था, इस तरह का क्रॉस कराया गया। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपका ब्रीडिंग टाइम पे आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको भी आप पनेट चार्ट स्क्वायर पर रखेंगे तो बहुत इजीली आपको एक बार में ही आइडिया लग जाएगा कि कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे। तो जैसे इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, तो F1 जनरेशन में जो बच्चे आएंगे इनके, वो क्या शो करेंगे, कोडोमिनेंस को शो करते हुए क्या करेंगे, यहां पे जो सबसे पहले क्या चीज है, IA और IA, ठीक है ना, समझिएगा इन चीजों को, और फिर क्या है IB और IB, ठीक है ना। तो इसमें क्या करा जाएगा, जब इनको यहां पे बिल्ड किया जाएगा, हम दूसरे कलर का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। यहां पर देखिए, जब यहाँ पे आया IA और IB आ गया, ठीक है ना, तो हमने क्या सिखाया था, डोमिनेंट अपने कैरेक्टर को शो करते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिए IA और IB आ गया, तो क्या पड़ जाएगा, ब्लड ग्रुप AB, अगला क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा, यानी कि को डोमिनेंस को शो करते हुए ये ब्लड ग्रुप्स क्या करेंगे कि शो कर जाएंगे, क्या शो कर जाएंगे, कोडोमिनेंस को शो कर जाएंगे, ठीक है ना, अपने कोडोमिनेंस के कैरेक्टर को शो कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक और हम आप लोगों को एग्जांपल के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे फटाक से देखते हैं अगला एग्जांपल हमने क्या ले लिया। देखिए अब हमने AB का तो देख लिया, AB ब्लड ग्रुप कैसे आएगा, अब देखते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, अब देखिए एक हमने क्या किया कि डोमिनेंट जीन लिया IA, ठीक है ना, फिर क्या किया कि फिर IA ले लिया, इनका हमने क्रॉस कराया एक, देखिए ये ब्लड ग्रुप कैसा रहा होगा, जैसे IA साथ में आ गया तो ये क्या ब्लड ग्रुप रहा होगा, A ब्लड ग्रुप रहा होगा, ठीक है ना, ये क्या रहा होगा, A ब्लड ग्रुप रहा होगा। इनका क्रॉस हमने क्या कराया, IO और IO, तो जब ये दोनों रिसेसिव कंडीशन में थे तो यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप आ जाएगा आप लोगों का, O ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, O ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जब इन दोनों के बारे में जब हम फिर से क्रॉस कराते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, देखिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइब्रिड टाइप का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, जो डोमिनेंट रहेगा वही आएगा। देखिएगा जैसे हम बता देते हैं, यहाँ पे रख लिए IO और फिर IO रख लिए, फिर यहाँ पे ले लिए IA, फिर IA ले लिया, और जस्ट हमने क्या किया कि इनका हमने क्या किया, क्रॉस कराया, तो यहाँ IA और IO मिलेगा, लेकिन ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा आपका, कॉनली क्या आएगा, A आएगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, IA मिलेगा और IO मिलेगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो डोमिनेंट केस था, यहीं पे मान लीजिए A ब्लड ग्रुप या B ब्लड ग्रुप का कराएंगे तो हाइब्रिड टाइप का क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। अब एक और कंडीशन मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ बना करके, ठीक है ना, ठीक है। अब ये देखते हैं, मैं इसको एक और कंडीशंस बना के दिखा देता हूँ आपको, इजीली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एक कंडीशन आपकी एक ये भी हो जाएगी, जैसे मान लीजिए एक क्रॉस करा है हमने किसका किसका, IA है, देखिए IA और IO है, ठीक है ना, इनका क्रॉस करा है किसी भी एक पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप क्या था, बी ब्लड ग्रुप था, और उनके पास क्या था, IB और IO था, ठीक है ना। ये कोडोमिनेंस को शो करते हैं, लेकिन एक जीन रिसेसिव हो जाने की वजह से क्या करता है, कभी कभी इसमें देखिए कितने तरह के ब्लड ग्रुप बनेंगे, जो कोई पर्सन यहां कमेंट करके जवाब देता है तो देन वेरी गुड, बता दीजिए कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। तो यहां मैं बताता हूं बना करके, जो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बात, तो यहां पे कैसे रखा जाएगा देखिएगा, यहाँ पे फटाफट समझते हैं किस तरह से रखा जाएगा। जैसे हम लोग ने क्या किया कि इसको अलग कर लिया, ठीक है ना, तो गैमेटिक फॉर्मेशन में IA और IO, ठीक है ना, समझिएगा। और फिर यहाँ पे मैंने दूसरा भी एक कैरेक्टर ले लिया, IB ले लिया और क्या ले लिया, IO ले लिया। तो हम लोगों को जब भी क्रॉस कराना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट, अब देखिए क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब IA हो जाएगा, हम लेटर्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, IB आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कैसा आ जाएगा, ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, IB हो जाएगा। और IB और IO का जब कराएंगे, देखिए IB और फिर क्या है यहाँ पर IO, तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, आप लोग समझते चलिएगा। फिर इसका यहाँ क्रॉस कराएंगे, देखिए IA एंड IO, तो इसका क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, A ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और लास्टली जो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा क्या कहते हैं रिसेसिव टाइप का जीन है, IO मिलेगा, तो यहाँ किस तरह का ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, O टाइप का ब्लड ग्रुप मिल जाएगा। यानी कि इस तरह का कोई केस मिलता है तो वहाँ ब्लड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये
इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर ही देखते हैं तो हमें क्या चीज़ें मिल जाती हैं, हम लोगों को ब्लड ग्रुप की नॉलेज मिल जाती है कि किस तरह से ये ब्लड ग्रुप बनते हैं और किस तरह से ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ये क्या है, कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जांपल है। मैंने कोडोमिनेंस के दो एग्जांपल दिए, दो नहीं काफ़ी एग्जांपल दिए, गाय का एग्जांपल लिया, जैसे एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है चूहों के बारे में देख लिया जाए, वाइट और एक क्या किया गया ब्राउन कलर के चूहे की मैटिंग कराई गई, जो मैक्सिमम तौर पे देखा गया कि चूहों के अंदर भी क्या किया गया स्पॉटिंग दिखने लगी, धब्बे दिखने लगे, तो काफ़ी सारे कलर्स उनके अंदर आने लगे। तो दैट्स वाई अ दे आर, जब दोनों तरफ से डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, को डोमिनेंस शो करेंगे। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, आप लोगों को याद होना चाहिए। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में मैं छोटी सी चर्चा करूं तो आप लोग को याद होगा कि पहले क्या होगा कि F1 जनरेशन में 100% पिंक आ जाएंगे, जो कि पेरेंट्स से पूरी तरह अलग होंगे, सॉरी, जो जो दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स आते हैं। मैं समझाते हुए इन चीज़ों को फिर से एक बार चल रहा हूँ, जो फिर से उनका क्या करते हैं, सेल्फ क्रॉस कराते हैं, तो हमें क्या कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, 1:2:1 के रेशियो में एक प्योर, जो जो प्योर हो गया वो क्या कर दिए, पेरेंट के जैसे कैरेक्टर शो करने लगे, ठीक है ना। जो प्राइमरी पेरेंट्स थे, जो फीलियर जनरेशन F1 के पहले वाले पेरेंट्स थे, उनके कैरेक्टर मैच करा दिए, और दो कैसे हो गए, हाइब्रिड कैरेक्टर मैच करा दिए। तो वहाँ भी क्या चीज़ें हुई कि पूरी की पूरी तरह से क्या हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या क्या कहते हैं मेंडल का जो लॉ था, डोमिनेंस का लॉ था, वो क्या कर देता है, फेल कर जाता है। अब हम अपनी स्लाइड के तरफ बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं कि उसमें अगला टॉपिक क्या है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मैंने क्या बताया था, देखिए मैंने दो तरह के दो फ्लावर के नाम दिए थे, मीराबेल जलापा और स्नैपड्रैगन। आप भूलिएगा नहीं, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो वहां स्नैपड्रैगन फ्लावर का नाम दिया जाता है, वो भी क्या करता है, इन चीजों को शो करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये देखिए स्नैपड्रैगन एरियंथस यहाँ भी नाम दिया गया है, ये देखिए फटाफट देख लीजिए, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। तो F1 जनरेशन में क्या होता है कि पिंक मिल जाता है, और ठीक है F2 जनरेशन में आते ही क्या करते हैं, वो सेग्रीगेट करके अलग कर जाते हैं। ये क्या करते हैं कि पूरी तरह से क्या करते हैं कि मेंडेलियन लॉ से क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस रखते हैं, ठीक है ना। और कोडोमिनेंस भी मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि हम लोगों का जो मेंडल्स का क्या कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक्सेप्शनल तौर पे हैं, ये आपको पूछा जा सकता है एक नंबर में कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो मेंडेलियन लॉ को फॉलो नहीं करता है, मैं यही मार्क कर रहा हूं, ठीक है ना, ये पूछा जा सकता है। तो ये देखिए दिखा रहा है कि यहां पे छोटा सा एक क्या लिए, रेड फ्लावर लिए, व्हाइट फ्लावर लिए, दोनों का हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया, हाइब्रिड बनाया, तो हमें F1 जनरेशन का जो प्लांट था वो पिंक कलर का मिल गया। और जैसे ही हमने उसका क्या कराया कि क्या कहते हैं फिर से क्या करा लिया कि सेल्फ क्रॉस करा दिया, जैसे समझ लीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पेरेंटल जनरेशन कहते थी रेड कलर की गैमेट बनी तो R बना, यहाँ पे व्हाइट कलर का था तो एक स्मॉल आ रहा है, दोनों में क्या कराया गया, सेल्फ क्रॉस करा दिया गया। दैट्स द रीजन वी गॉट द एवरीथिंग, ठीक है ना। अब इसमें जस्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, वो चीज़ें ठीक है, कोडोमिनेंस भी मैंने आपको बता डाला। ये देखिए मैंने ब्लड ग्रुप के लिए भी मैंने क्या बता दिया था, ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। देखिए ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स नंबर 9 पे प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। और क्या है कि ये देखिए ए क्या होता है, डोमिनेंट होता है, बी भी क्या होता है, डोमिनेंट होता है, लेकिन क्या होता है इसको जो आई को मैंने बताया था, आई टर्म को भी मैंने बताया था, इसको आई जीरो भी लोग काफ़ी जगह आप काफ़ी बुक्स में इसको आई जीरो करके भी दिखा दिया गया है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या करते हैं, ये अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, दैट्स अ रीजन, ठीक है। और अब फिर हम आगे की तरफ देखते हैं, ये देखिए मैंने इसको क्या कहते हैं क्रॉस के अकॉर्डिंग दिखा दिया, जब क्या होगा कि आई ए हो या आई ए आई जीरो हो, इसको समझ लीजिएगा, पटाक समझ लीजिएगा, दोनों तरीके से लिखा जा रहता है, ये आई ए और यहाँ पे आई जीरो भी लिखा रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल आई की जगह क्या लिख सकते हैं, आई जीरो भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल ये दोनों टर्म्स को आप लोग याद रख सकते हैं, आई स्मॉल आई भी यूज कर सकते हैं और आई जीरो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोगों को क्लियर कट हो गया होगा, यहाँ भी आपको क्लियरेंस मैंने दिखा ही दी कि कैसे होता है ये, कैसे सिलेक्शन होता है।
ब्लड ग्रुप का सिलेक्शन होता है। ये देखिए मल्टीपल एलील के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन ये भी मैंने बता दिया है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में मैंने क्या रखा है बता दिया है, ठीक है ना। अब ये क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंडेंट थे, आप लोग देख लीजिए मैंने ये करके भी दिखा दिया आप लोगों को प्रीवियस क्लास में और सिखा भी दिया कि किस एरिया से किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए हम बता रहे हैं जैसे आप लोगों को क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस थियरी के बारे में बात करते हैं तो सदन एंड बोवेरी ने दी थी, ठीक है ना, वॉल्टर सदन नाम था और थियोडर बोवेरी नाम था। देखिए हम लोगों को एक छोटा सा बात बताना था कि जैसे मान लीजिए मेंडल के पोस्टुलेट फॉरवर्ड होते होते प्रिंट मीडिया में आते आते लगभग लगभग कितना टाइमिंग हो गया था, 1885 हो गया था, और 1885 के ठीक 15 साल बाद जब माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हो गया था तो उस टाइमिंग पे सदन और बोवेरी ने कम्प्लीटली क्या देखा था कि सेग्रीगेट होते हुए देखा था। जब मियोसिस हो रही थी, मियोसिस के दौरान सभी के सभी गैमिट फॉर्मेशन हो रहे थे, उसमें क्या देखा था उन्होंने कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस देखी थी। उन्होंने ये कहा था कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें क्या देखा गया था पता है आप लोगों को कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचने के लिए क्या किया जा रहा था, इनका यूटिलाइजेशन किया जा रहा था, इन्हीं के ऊपर जीन प्रेजेंट थे। अब यहां पे देखिएगा, अभी मैं बता देता हूं, मेंडल को ये नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, उन्होंने तो बस फैक्टर नाम दे दिया था यहां पे इन चीजों को। अब इन्होंने क्या किया था, मेंडल के काम को और आगे ले जाते हुए उसको और आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस, मतलब क्या है समझिएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स मतलब एक जैसे क्रोमोसोम्स जो रहे उनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, हेटरोलॉगस क्रोमोसोम्स वो रहे जो क्या हो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स रहे उनको क्या कहे, हेटरोलॉगस क्रोमोसोम्स कहे। तो इनमें देखिए काफी सारी चीजें उनको देखने को मिली, ठीक है ना। अब इसके और आगे जब इनकी कंडीशंस के बारे में बात की जाए, इस ये फिगर आपके यहाँ एनसीईआरटी में वेल डिफाइंड दिया गया है, आपको समझना होगा इस डायग्राम को। डायग्राम को जो आप समझते हो तो देखिए मियोसिस के फेजेस को दिखाया गया है और गैमिट फॉर्मेशन को दिखाया गया है। देख लीजिएगा आप लोगों को क्या है कि इसमें कैसे दिखाया गया है, मियोसिस का फेज एनाफेज फर्स्ट में क्या किया गया है, इनके पास क्या होगा चेंज हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मियोसिस सेकेंड के बाद क्या हो रहे हैं सब अलग अलग हो जा रहे हैं एनाफेज में, और लास्ट में क्या हो रहे हैं कि ये जर्म सेल्स क्या हो रहे हैं टोटल क्या हो रहे हैं पूरी तरह से अलग हो जा रहे हैं। ये अपने आपको क्या करते हैं कि जब ये नया फॉर्मेट होता है तो क्या कहते हैं नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेट कैसे होता है, दो जर्म सेल फाइंड करती हैं एक दूसरे से फ्यूज करती हैं और क्या करती हैं नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये देखिए ये आप लोगों क्या क्या है, ये देखिए जो थॉमस हंट मॉर्गन थे उन्होंने क्या किया था ड्रोसोफिला मैनचेस्टर पे क्या किया था अपना एक एक्सपेरिमेंट देखा था, इन्होंने इसी में उन्होंने क्या देखा था कि वेरियस तरह के क्या बन रहे थे स्पर्म बन रहे थे, ठीक है ना, एक मेल फॉर्मेट कर रहा था और एक फीमेल फॉर्मेट कर रहा था, दोनों के बॉडी में स्पेसिफिक तरह के चेंजेस थे, इसे क्या कहते हैं ड्रोसोफिला मैनचेस्टर के अंदर इन्होंने देखा था, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स क्या थे देखिए, अब ये देखिए ड्रोसोफिला के अंदर क्या देखा था उन्होंने, क्या देखा था कि जो मीडियम था लेबोरेटरी में ग्रो कराया गया था इसमें क्या था कि बहुत सारे चीजों की तरह वेरिएशंस दिख रहा था, वेरिएशन क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। इनको यूज करने का मेन रीजन क्या था कि ये इस फ्लाई को यूज करते हुए उनके कैरेक्टर्स को क्या किए यूटिलाइज किए और देखे कि उनमें क्या क्या चीज होती है, ठीक है ना। उनकी एक लाइफ साइकिल कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती थी, एक वीक के अंदर से, और इनको क्या कर सकते थे सिंपली किसी एक मीडियम में क्या कर सकते लेबोरेटरी में भी ग्रो करा सकते थे, ठीक है ना। अब ये देखिए इनके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन की पावर भी देखी जाती थी जो कि देखी जा सकती थी, ठीक है ना। अब ये क्या है देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन तो मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल और फीमेल की बारे में बात करते हैं तो वो एक्स वाई टाइप का होता है, एक बताया जाता है आपका एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन बताया जाता है, और क्या चीजें बताई जाती हैं देखिए मैं बताता चलता हूं। देखिए सबसे पहले एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें मिलता है, हम लोग मैक्सिमम क्या कहते हैं बड़े एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है जो आपके क्या कहते हैं एडवांस्ड एनिमल मिलते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो इसमें किस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, ठीक है ना। एक्स ओ टाइप का कह देता हूं तो आपके बहुत सारे किस चीज में मिलते हैं, आप लोगों के इंसेक्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जेड जेड का टाइप का मिलता है जो आप लोगों का क्या कहते हैं बहुत सारी बर्ड्स में मिल जाएगा, एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं सबसे पहले एक्स वाई सेक्स डिटर्मिनेशन का
जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होना है तो क्या होता है, देख लीजिए, जो एक हमारे यहाँ देख लीजिए, हम ह्यूमन के मेल की बात करते हैं तो क्या करता है कि जो उसका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, और जो फीमेल का क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो किस कंडीशन में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में होता है। इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आप लोगों को एग्जांपल के साथ देखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिया क्या किया कि हमने क्या लिया, एक मेल लिया, ठीक ना, मेल लिया, और मेल के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं 22 ऑटोसोमल होते हैं जो फिजिकल फॉर्मेशन में फॉर्मेट करते हैं, साथ देते हैं, और क्या करते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो क्या होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में होते हैं, और वो क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं एक्स वाई कहते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स का मतलब आप समझ लीजिए जो कि सेक्स डिटरमिनेशन में क्या करते हैं साथ देते हैं। और देखिए जैसे फीमेल के बारे में जस्ट यही बात करते हैं तो फीमेल क्या कैरी करती है, ये भी 22 ऑटोसोमल कैरी करेगी जो फिजिकल फॉर्मेशन का काम करेगा, और जो क्या होता है जो आपका वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है जो एक्स एक्स को कैरी करता है। देखिए आप लोगों के यहाँ सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग, या क्या कहेगा कि सिंपल टाइप से, नहीं, वो पूछेगा कि एक्स वाई टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें मिलता है और आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो हम इसके बारे में बात करते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। अब इसमें जस्ट आगे बात करते हैं तो इसमें क्या चांसेस होते हैं, देखिए जो जो स्पर्म फॉर्मेट होता है तो स्पर्म दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम्स होगा, एक स्पर्म जो होगा एक्स को कैरी किए होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आप लोग फटाफट ये वाला तो रूल जानते ही हैं, बनाइएगा, ठीक है ना, आप लोग खुद भी कीजिएगा। यहाँ पे एक्स एक्स रख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स वाई रख लीजिएगा, ठीक है ना, एक जगह एक्स एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ आ जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई के कंडीशन में जाएंगे। तो आप इन चीजों को कंडीशन में क्या है 50-50% चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। और फिर से मैं आप लोगों को अपने फिर से पुरानी जगह ले चलता हूं स्लाइड में दिखाते हुए चीजों को, देखिए ये यही बता दिया गया, आप लोग फिर से इसको भी देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हैनकिंग ने 1891 के अंदर क्या किया था, इस चीज को ट्रेस किया था, ठीक है ना, और स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस इनसाइड द क्या कहते हैं स्पर्म, स्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे ही क्या होती है, या तो वो एक्स को कैरी करेगा या तो वो वाई को कैरी करेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होगा, मेल या फीमेल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्सओ टाइप का कहां मिल रहा है, देखिए एक्सओ टाइप का मतलब समझ लीजिए कि जो आप लोगों के यहां क्या होता है ये किसमें मिलेगा, आप लोगों को मैं जो बता दूं तो ये मैक्सिमम टाइम पे किन जगहों पे मिलता है, ये इंसेक्ट्स में मिलता है, ठीक है ना। ये एक्सओ टाइप का जो होता है क्या कहते हैं इंसेक्ट्स में मिलता है, जबकि देखिए जैसे मान लेते हैं हम आप लोगों को हनी बी के बारे में बताते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा यानी कि फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एग तो क्या बना देगा, फीमेल को फॉर्मेट कर देगा, अदरवाइज बिना फर्टिलाइजेशन के क्या फॉर्मेट कर देगा, आपका एक ड्रोन फॉर्मेट कर देगा। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और आपका जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के क्लासेस का टाइम हो चला है, ठीक है ना, तो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, ठीक है। इस चीज को हम कल की डेट में ठीक से हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है आपका एक्सो टाइप का, और किस तरीके से हम इसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं, एक्सो टाइप का क्या होता है, आप लोगों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस में मिलता है, आपका हनी बी में मिलता है, सम इंसेक्ट्स में मिल जाता है, इसी को हम कल समझेंगे, एक्सओ टाइप समझेंगे, और जेड जेड टाइप और जेड डब्ल्यू टाइप के क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन को हम कल समझेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर टुडे, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एक्स्ट्रा तैयारी, बाय।